क्वेश्चन में पहली लाइन में पूछा है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है और फिर ये पूछा है कि क्या यही प्रॉपर्टी कॉन्केव या नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए अप्लाई होती है मे का नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई सो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ज़ 360 डिग्री ये हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए अब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल या नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए पहले हम एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कुछ होगा इस तरह फोर साइड्स वाला ये फर्स्ट साइड ये सेकंड साइड ये थर्ड साइड एंड ये हो गई फोर्थ साइड तो ये फोर साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल क्लोज फिगर हो गया ये हो गया ए देन ये बी ये सी और ये डी तो हमें फाइंड करना है इसके सारे एंगल्स का सम हम बी से डी को ज्वाइन कर देंगे हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हो गए ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी दो ट्रायंगल्स में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये होती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू वन हंड्र वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली इन ट्रा एंगल बी सी डी भी हम देखेंगे ये हमारा ए बी डी ट्राइंगल का हो गया अब हम बी सी डी में देखेंगे बी सी डी में होगा एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल्स टू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री ये भी वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री हो गया हम इससे इक्वेशन टू नाम दे देंगे अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड एड़ करेंगे एडिंग इक्वेश्स वन एंड टू So, ये होगा एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी एक्ल्स टू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री प्लस वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा एंगल ए देखेंगे ये एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी ये दोनों एंगल मिलकर बनाते हैं एंगल बी फिर हम लिखेंगे एंगल सी फिर ये एंगल ए डी बी एंड एंगल सी डी बी ये मिलकर बनाते हैं एंगल डी और ये इक्वल से हो जाएगा वन एट्टी प्लस वन एट्टी थ्री सिक्सटी डिग्री सो तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये क्वारल के चारों एंगल्स हैं और इनका सम समी हंड्रेड तो सेम प्रॉपर्टी होल्ड करती है कॉनकेव क्वार के लिए यही हमारा यह आंसर है क्लास सिक्स से लेके नीट आई, आई आई टी जेगी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर